हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेसन टू ऑफ फ्लेमिंगो। अगेन ये रीडर बुक का आपका चैप्टर है, तो आपको डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा इसको, तो काफ़ी ध्यान से पढ़ना है। और ये चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। लॉस्ट स्प्रिंग इस नाम से है, और स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये इसको एक्सप्लेन किया गया है कि स्टोलन चाइल्डहुड की स्टोरीज़ हैं इसमें। अब लॉस्ट स्प्रिंग आपको लगेगा जैसे आपको लिया गया है किसी सीज़न के बारे में, तो ऐसा नहीं है। ये इस चैप्टर के अंदर आपको स्टोरीज़ दी गई हैं, बचपन की कहानियाँ हैं जिसमें चाइल्डहुड स्टोलन है, मीन्स बचपन जो है जैसे उनसे छीन लिया गया है, उन बच्चों की कहानियाँ हैं। रिटन बाय अनीस जंग। ये जो चैप्टर है इसी नाम की जो बुक है उससे लिया गया है, हालांकि उस बुक में काफ़ी सारे बच्चों की स्टोरीज़ हैं, जबकि इस चैप्टर के अंदर केवल दो बच्चों की कहानियाँ हम पढ़ेंगे। तो पहले अनीस चंग के बारे में जान लेते हैं कि हु वॉज अनीस चंग। देखिए ये अनीस जंग है, कौन है ये? अनीस जंग इज़ एन इंडियन ऑथर, जर्नलिस्ट एंड कॉलमनिस्ट। क्या है वो? इंडियन ऑथर है, जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट मीन्स अखबार वगैरह में लिखती हैं, लेखिका हैं, एंड कॉलमिस्ट और न्यूज़पेपर्स के लिए कॉलम्स भी लिखते हैं। कॉलम्स वो होते हैं जब आर्टिकल्स वगैरह लिखे जाते हैं जो उसके जो मेन पेज होता है उसके ऊपर, इन इंडिया एंड अब्रॉड। ये जो उन्होंने कॉलम्स लिखे हैं या जर्नलिज्म का काम किया है वो इंडिया में भी किया है और बाहर भी किया है। शी वॉज बोर्न इन हैदराबाद। वो हैदराबाद में पैदा हुई एंड बिलोंग्स टू एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। वो एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करती हैं, मीन्स वो एक शाही परिवार से थोड़ा संबंध रखती हैं। हर फादर होशियार जंग वॉज अ रिनाउंड स्कॉलर एंड पोइट। उनके जो फादर थे उनका नाम था होशियार जंग, वो एक स्कॉलर थे, रिनाउंड मीन्स फेमस स्कॉलर रहे हैं, पढ़े लिखे ज्ञानी व्यक्ति रहे हैं और पोइट भी रहे हैं। हर मदर एंड ब्रदर आर ऑल्सो नोटेड उर्दू पोइट्स। उनका जो भाई है और मदर है वो भी उर्दू पोइट्स रहे हैं। आफ्टर स्कूलिंग एंड कॉलेज फ्रॉम हैदराबाद शी वेंट टू द यूनाइटेड स्टेट फॉर हायर स्टडीज़। उनकी जो स्कूलिंग है और कॉलेज था वो हैदराबाद में ही हुआ, उसके बाद उन्होंने हायर स्टडीज़ के लिए यूनाइटेड स्टेट्स जाने का फैसला किया और वहाँ से उन्होंने की है। हर मोस्ट नोटेड वर्क, और जो उनका सबसे नोटेड वर्क है, नोटेड मीन्स जिसको जाना जाता है, वो है अनविलिंग इंडिया। ये उन्होंने 1987 में बुक लिखी थी, वॉज अ डिटेल्ड क्रॉनिकल ऑफ द लाइव्स ऑफ वुमेन इन इंडिया। मीन्स इस बुक के अंदर उन्होंने औरतों की जो लाइव्स हैं उनको क्रॉनिकल किया, उनको डिटेल में दिखाया है। तो ये अनीस चंग के बारे में आप ये करेंगे, और ये जो बुक है वो भी आप देखेंगे। ये बुक किसके बारे में? बच्चों के बारे में, कि उनकी लाइफ किस तरह की है। अब थोड़ा थीम कर लेते हैं, हमारा जो चैप्टर है इसका थीम, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें क्या है, चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। तो स्प्रिंग किस मीनिंग में या किस इमेजरी के लिए यूज़ होता है? स्प्रिंग इज़ द सीज़न ऑफ ब्लूम। स्प्रिंग क्या है? ब्लूम का सीज़न होता है, मीन्स जहाँ बाहर आती है। स्प्रिंग इज़ अ मेटाफर ऑफ चाइल्डहुड। वो चाइल्डहुड के लिए भी मेटाफर है। मेटाफर मीन्स अलंकार के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर। अगर चाइल्डहुड है, हम मानते हैं कि वो पूरे ब्लूम में है क्योंकि अभी उसका स्प्रिंग आया है, एंड इज स्प्रिंग सीजन में वसंत ऋतु, एंड इज एसोसिएटेड विद एवरी चाइल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ए ब्राइट फ्यूचर। और अगर हम इस तरीके से मेटाफर लें बचपन के लिए स्प्रिंग को, तो वो हर बच्चे के लिए है जिसकी शुरुआत होनी है एक ब्राइट फ्यूचर की। चाइल्डहुड इज एसोसिएटेड विद इनोसेंस, और बचपन जो है इनोसेंस के लिए भी जाना जाता है, फिजिकल स्टेमिना के लिए भी जाना जाता है, एंड वाइटैलिटी। और वाइटैलिटी मतलब एक विगर के लिए, एक जान के लिए, एक स्फूर्ति के लिए भी जाना जाता है। इट इज़ ऑल्सो द स्टेज ऑफ फॉर गेनिंग स्किल एंड नॉलेज। और यही वो स्टेज होती है जो बचपन होता है, यही स्टेज होती है कि उस टाइम पर आदमी स्किल और नॉलेज को बहुत अच्छे से गेन करता है, बहुत क्विकली गेन करता है, लर्निंग एंड गोइंग टू स्कूल। और यही एज होती है जिसमें बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं। तो ये स्प्रिंग जो वर्ड आया है उसको एक्सप्लेन किया। अब इस चैप्टर को बताएंगे कि लॉस्ट स्प्रिंग बाय अनीस जंग इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ दोज पुअर चिल्ड्रन हु आर कंडेम्ड टू पॉवर्टी एंड ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। कि ये चैप्टर किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है? उन पुअर बच्चों, उन गरीब बच्चों की लाइफ को जो एक्सप्लोइटेशन की लाइफ को जीते हैं, शोषण की लाइफ को जीते हैं, जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन है और पावर्टी है, और ये उनकी किस्मत बन गई है। द टू प्रोटैगनिस्ट ऑफ द चैप्टर
Sahibe Alam and Mukesh lose their childhood while carrying the burden of poverty and illiteracy. ये दो प्रोटैगनिस्ट हैं इसमें. प्रोटैगनिस्ट मतलब मेन कैरेक्टर्स जो हैं वो हैं, एक है साहिबे आलम और एक मुकेश. वो अपना बचपन जो है वो खोने जा रहे हैं. क्यों खोने जा रहे हैं? क्योंकि वो पावर्टी और इलिटरेसी का बर्डन ढो रहे हैं. गरीबी का और अनपढ़ता का जो बोझ है वो उनके ऊपर लदा हुआ है ना, वो उसको उतार ही नहीं सकते क्योंकि वो गरीब हैं. एकदम से उनकी पावर्टी जाएगी नहीं, अनपढ़ हैं वो, पढ़ नहीं सकते हैं, और जब तक नहीं पढ़ेंगे तो इस पावर्टी से बाहर निकलने वाले नहीं हैं. तो वो उस बर्डन को ढोते जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी ढो रहे थे. इन देयर ब्लीक स्टोरीज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन द ऑथर फाइंड्स ग्लिम्पसेस ऑफ रेजिलियंस एंड होप. लेकिन उनकी जो ब्लीक स्टोरीज हैं एक्सप्लॉयटेशन की, ब्लीक का मतलब बड़ी ही खोखली सी, जिनमें कोई कुछ भी दिखाई नहीं देता, उनकी जो ये एक्सप्लॉयटेशन की, शोषण की कहानी है, उसमें ऑथर को एक ग्लिम्प्स मिलता है, एक झलक मिलती है. फिर भी उनसे बात करके एक ग्लिम्प्स मिलता है रेजिलेंस का और होप का. एक आशा का, और रेजिलेंस होता है सहन करने का या उस चीज़ को इंड्योर करने का, इंड्योरेंस का एक झलक मिलती है, और उसी से राइटर को थोड़ी सेटिस्फेक्शन होती है. अब आगे देखिए कि साहिबे आलम कौन है. साहिबे आलम है और मुकेश है. साहिबे आलम कौन है? जो लड़का है वो एक रैग बिकर है. और मुकेश क्या काम करता है? मुकेश एक बैंगल मेकर्स की फैमिली में पैदा हुआ है, और उनकी जो फैमिली का बिजनेस लगा लो या काम लगा लो वो एक ही है कि उन्हें बैंगल्स ही बनानी होती है आखिर में. तो ये किस तरह की लाइफ को जी रहे हैं वो बताया गया इस चैप्टर में. तो हम इन दो कहानियों को दो दिन में कंप्लीट करेंगे. तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साहिबे आलम की स्टोरी को. तो ये है चैप्टर हमारा, और इसमें जो फर्स्ट लाइन दी हुई है, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज. ये देखिए इसमें कोट है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में दिया हुआ है. इट मीन्स ये किस कोटेशन है और किसकी है? साहिब ने ये चैप्टर के दौरान कहा, वो आप बाद में देखेंगे. ये उसकी जो डायलॉग है उसको यहाँ पर टाइटल के तौर पर दिया गया है. इसी तरह से एक लाइन जो है वो मुकेश की होगी और वो उसकी स्टोरी का टाइटल होगी. तो यहाँ ये साहिब की स्टोरी स्टार्ट होती है, और इस लाइन का मतलब है कि साहिब कहता है कि समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, कि कभी कभी गार्बेज को बीनते हुए मुझे एक रुपी मिल जाता है, एक रुपया मुझे उस कूड़े में मिल जाता है. वो उसी से खुश हो जाता है कि चलो एक रुपया मिला. व्हाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहिब हुम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड. वाई डू यू डू दिस? आप ऐसा क्यों करते हैं? ये किसने पूछा? आई आस्क साहिब, मैंने साहिब से पूछा. मैंने कौन है इसमें? ये राइटर है, अनीश चक है. ये राइटर और नरेटर जो है सेम है. तो आई आस्क साहिब हुम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिसको मैं एनकाउंटर करती हूँ. एनकाउंटर मीन जिसका मेरे से आमना सामना होता है. एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड. स्क्राउंजिंग मीन सर्चिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माय नेबरहुड. मेरे पड़ोस के जो गार्बेज डंप्स हैं, कूड़े के जो डंप्स हैं, हीप्स हैं, जहाँ पर गार्बेज को डंप किया जाता है. गार्बेज मीन्स कूड़ा करकट को डाला जाता है. उन डंप्स में मुझे हर रोज़ मिलता है साहिब, और उसको मैं पूछती हूँ. अब यहाँ पे एक लाइन में आया फॉर गोल्ड, गोल्ड को ढूंढते हुए. गोल्ड थोड़ी मिलता है कूड़े में. गोल्ड का मतलब कोई भी कीमती चीज़, कोई भी वैल्यूएबल चीज़ ढूंढते हुए मुझे मिलता है. वैल्यूएबल का मतलब ये आपको पता होगा, कुछ लोग कुछ जो ये रैग पिकर होते हैं वो उसमें से लोहा अलग निकालते हैं, सारी चीज़ें जो भी थोड़े से काम की होती हैं वो अलग निकालते हैं, और कभी कभी उन्हें अच्छी चीज़ें भी उनके अंदर मिल जाती हैं. तो उसी के लिए इन्होंने गोल्ड का यूज़ किया है वर्ड, कि वो उनके लिए तो गोल्ड ही होता है. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो. साहिब ने अपना घर बहुत पहले ही छोड़ दिया था. सेट अमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका. जो कहाँ पर था? ग्रीन फील्ड्स, जो ढाका के जो ग्रीन फील्ड्स थे. ढाका कहाँ पर है? बांग्लादेश में है. तो वहाँ पे के जो हरे भरे खेतों में उनका घर था वो बहुत सालों पहले छोड़ चुका था. हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी. उसकी जो याद है उसमें डिस्टेंट, दूर भी कहीं नामो निशान उसके अपने घर का नहीं है, जो ढाका में घर था. इस इतना टाइम हो गया उन्हें यहाँ आए हुए. देर वर मैनी स्टॉर्म्स. और रीज़न बता रहे हैं कि उन्होंने क्यों छोड़ा वो जगह, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे स्टॉर्म्स आते थे, बहुत सारे तूफान आते रहते थे. आपको पता है कि बांग्लादेश में ढाका के आसपास थोड़ा सा सी एरिया है, तो वहाँ स्टॉर्म्स आते होंगे. स्टॉर्म्स के साथ
जैसे अभी आपने देखा था कि यास जो है तूफान आया समुद्र के पास, जब तूफान आते हैं स्टॉर्म्स आते हैं तो उनके साथ पानी की लहरें भी बहुत ज़्यादा आती हैं, तो स्टॉर्म्स के साथ पानी की दिक्कत भी बहुत ज़्यादा होती है। दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, और जो क्या करते थे स्टॉर्म्स, उनके घर और खेतों को बहा ले जाते थे। हिज मदर टेल्स ही, उसकी माँ उसको समझाती हैं, दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसी वजह से उन्होंने छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और किस लिए छोड़ दिया, क्योंकि वो वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे थे, और अब यहाँ इस बड़े शहर में जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर गोल्ड को ढूंढने के लिए आए हैं। वही है गोल्ड में, यही कूड़े में, यहाँ गोल्ड जो है एक नेगेटिव सेंस में ही कहा गया कि गोल्ड इनके लिए ये गार्बेज ही गोल्ड है, और इसमें जो कुछ तलाशते हैं वैल्यूएबल चीज़ें उसकी तलाश में ये बड़े शहर में आ गए। एक तरह से आयरोनिकली कहा है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू। अब ये कह रहे हैं बिग सिटी, यहाँ पर दिल्ली के आसपास जो सीमापुरी एरिया वहाँ रहते हैं उसकी बात ये कर रहे हैं। अब आगे बताएंगे सीमापुरी के बारे में काफ़ी कुछ। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स। अब यहाँ पे आंसर देता, बीच में राइटर जो है बताने लगे थे, समझाने लगे थे साहेब के बारे में। पहले उन्होंने एक सवाल पूछा था कि वाई डू यू डू दिस, कि तुम ऐसा क्यों करते हो, उसी का जवाब अब जाकर साहिब दे रहा है। वो कह रहा है आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास कुछ करने को नहीं है। वो मटर्स, वो धीरे से बड़बड़ाता हुआ सा बोलता है, लुकिंग अवे, लुकिंग अवे दूर देखते हुए, मीन्स उसका ध्यान ही नहीं है, उसको जवाब ही नहीं सूझ रहा, तो वो कहता है मुझे कुछ करने को है ही नहीं इसलिए मैं ये करता हूँ। ये मीन्स जो ये कूड़ा बीनने का काम है, ये जो रैग पिकिंग है। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, आई मीन्स राइटर उसे कहती है ग्लिबली में ना, एकदम से जवाब देकर कहती है कि स्कूल जाओ अगर कुछ करने को नहीं है। रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ होलो द वो एडवाइस मस्ट साउंड, अब जो नॉर्मल लाइफ जिया हुआ हो उसके लिए तो बड़ा आसान है कह देना कि सब बच्चे स्कूल जाते तुम भी जाओ, लेकिन साथ में ही राइटर ने फिर तुरंत ही ये रियलाइज कर लिया कि ये जो एडवाइस जो दी थी उसने वो कितनी होलो थी, होलो मतलब कितनी खोखली थी, बेतुकी थी, ये एडवाइस उसको होलो लग रही होगी ये राइटर ने भी रियलाइज कर लिया। देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, लेकिन फिर भी वो जवाब देता है, कहता कि मेरे नेबरहुड में आस पास कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, कि जब वो बना देंगे तो मैं चला जाऊंगा, नो प्रॉब्लम, अगर वो बना देते हैं तो मैं स्कूल चला जाऊंगा। अब आगे है इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, कि अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट करूं तो क्या तुम आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग, ये बात मैंने पूछी आधा जोकिंग, आधा मजाक के लहजे में। यस ही सेज, वो कहता है हाँ, स्माइलिंग ब्रॉडली, और खुश हो जाता है, और ब्रॉडली मतलब बिल्कुल एकदम से मुंह चौड़ा करके दांत निकाल के वो कहता है हाँ। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिनों तक फिर राइटर की बात नहीं हुई, तो कुछ दिनों बाद जब राइटर ने नहीं देखा तो वो दौड़ता हुआ आया उसकी तरफ। इज योर स्कूल रेडी, और क्या पूछता है आकर कि क्या आपका स्कूल रेडी हो गया। देखिए राइटर ने तो वो ऐसे ही कह दिया था कि अगर मैं बना दूँ तो तुम आओगे, लेकिन वो उसको सीरियस समझ गया और वो पूछने भी आ गया कि क्या आपका स्कूल रेडी हो गया। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई सी, फिर मैंने उसे कहा कि एक स्कूल को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, कम लॉन्गर मीन्स काफ़ी समय लगता है, इतनी जल्दी नहीं बनता है। Embarrassed at having made a promise that was not meant, और मैं embarrassed थी, I was embarrassed, क्यों थी embarrassed मतलब शर्मिंदा हो गई थी कि मैंने एक ऐसी प्रॉमिस की दैट वॉज नॉट मैंट, जिसका कोई मीनिंग नहीं था, जो मैंने दिल से नहीं कही थी, मुझे शर्मिंदगी हुई जिस होप के साथ वो मेरे पास आया था और मैं उस होप को पूरा नहीं कर पा रही थी, तो उससे मुझे embarrassment फील हुई। But promises like mine abound in every corner of his bleak world, वो कह रहे हैं लेकिन मेरे जैसी जो प्रोमिसज़ हैं, मैं अकेली नहीं हूँ उसको प्रॉमिस करने वाली, मेरे जैसी जो प्रोमिसज हैं वो अबाउंड मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, इन एवरी कॉर्नर ऑफ इस ब्लीक वर्ल्ड, उसकी जो ब्लीक वर्ल्ड है, ब्लीक मतलब ऐसी धुंधली सी खोखली सी जो दुनिया है, उसके हर कोने में मेरे जैसी जो प्रोमिसज हैं वो भरी पड़ी हैं, कि मैं अकेली वादे नहीं करती, सारी दुनिया ऐसे लोगों से वादे करके जाती होंगी, और किस तरह से उनके दिल टूटते होंगे ये अब मैं समझ सकती थी। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, कि जब मैं महीनों तक उसको जानने लग गई तब मैंने एक दिन उससे उसका नाम पूछा, साहिब आलम, उसका नाम था साहिब आलम। ही अनाउंसेस, वो एकदम से अनाउंस करता है, अनाउंस मतलब बिल्कुल साफ स्पष्ट बताता है, ही डजंट नो व्हाट इट मीन्स,
उसको इस नाम का मीनिंग नहीं पता है. इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, और अगर वो इस मीनिंग को जानता, डैश लगा के फिर डैश लगा के, और मीनिंग क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. ये इसको एक्सप्लेन किया गया कि मीनिंग एक्चुअली क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का स्वामी, इस पूरे ब्रह्मांड का स्वामी. ये उसके नाम का मीनिंग है. ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट. कहते हैं कि अगर वो इस मीनिंग को जानता, जो कि मीनिंग है ब्रह्मांड का स्वामी, तो वो हार्ड टाइम होता उसका विश्वास करने में. मीन्स उसको विश्वास नहीं हुआ होता, इतना बढ़िया मीनिंग है और उसको विश्वास नहीं होता कि इतना बढ़िया नाम उसके लिए रखा गया है, क्योंकि वो असलियत में तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है. अनअवेयर ऑफ वट हीज नेम रिप्रेजेंट्स, जो उसका नाम रिप्रेजेंट करता है या जो उसके नाम का अर्थ है, उससे अनजान है वो. और ऐसा अनजान हुआ कि रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, तो वो ऐसे ही अनजाने में ही अपने फ्रेंड्स के साथ गलियों में रोम करता रहता, रोम ही ऐसे ही घूमता रहता, वंडर करता इधर उधर. हालांकि उसको अपने नाम का मीनिंग नहीं पता कि वो ऐसा सोच रहा हो कि वो इस शान में ही, कि अपने नाम की शान में ही घूमता है, नहीं, फिर भी वो अपने दोस्तों के साथ गलियों में ऐसे घूमता रहता है. और उसके अब कोमा लगा कि दोस्त कैसे हैं ये बताए हैं. एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, और उसके जो दोस्त हैं वो पूरी की पूरी एक आर्मी लगती है, एक सेना है बेयर फुट बॉयज की, नंगे पैर वाले लड़कों की पूरी सेना है, ज़्यादातर वो नंगे पैर होते हैं, जो मॉर्निंग बर्ड्स की तरह अपीयर होते हैं. सारे के सारे जो उसके दोस्त हैं, जो भी रेड पिकर्स हैं, वो भी रेड पिकर्स होंगे नेचुरली, तो जैसे सुबह के पंछी आते हैं दिन में गायब हो जाते हैं, उसकी तरह हैं. एंड डिसअपीयर एच नून, और दोपहर आते आते वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये होगा जब ज़्यादा गर्मी हो जाती होगी तो वो वहाँ से चले जाते होंगे, सुबह सुबह अपना काम करने आते हैं. ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, और महीनों जानने के बाद मैं उनको हर एक को पहचानने लगी हूँ, कि इतने दिन महीने हो गए हैं अब तो, कि मैं उनमें से हर एक को रिकॉग्नाइज करने लगी हूँ. रिकॉग्नाइज मतलब उनको जानने लग गई हूँ. Why aren't you wearing chappals? I asked one. मैंने उनमें से एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते, कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी हुई, कि तुम barefoot क्यों हो, तुम नंगे पैर क्यों हो. मैंने एक से पूछा, My mother did not bring them down from the shelf. तो उसका क्या जवाब था, कि आंसर सिंपली, वो सिंपली आंसर देता है कि मेरी माँ उन्हें शेल्फ से उतारती ही नहीं है, कि उन्हें अलमारी की जो शेल्फ है उनसे उतारती ही नहीं है, टांड से उतारती ही नहीं है. इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एट्स एन अदर. अब ये वो कोई सच थोड़ी बोल रहा है, वो तो एक्सक्यूज़ दे रहा है, उसके पास होंगी नहीं इसलिए नहीं पहना, लेकिन वो जवाब ऐसा देता है कि वो ये नहीं बताता कि उसके पास है. तो दूसरा लड़का उसकी बात में ऐड करता है कि इवन इफ़ शी डिड, अगर वो उतार भी देती, शी डिड मीन्स वो ऐसा कर भी देती, कौन, उसकी माँ अगर उतार भी देती, ही विल थ्रो देम ऑफ, तो अभी वो उनको फेंक देता. वो उसको टोंट करता हुआ कहता है कि क्या सफाई दे रहा है, कि अगर वो उतार भी देती तो अभी तूने फेंक देता, यानी कि है ही नहीं, तो उतारने का सवाल ही नहीं होता, तब भी पहन के नहीं आता, क्योंकि फिर तो कहता मैंने उन्हें फेंक दिया. अब ये जो दूसरा लड़का है वो कौन है जिसने ये बात बोली, हुई इज़ वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच. उसने ऐसे जूते पहने हुए कि वो भी शान में है कि उसने कम से कम जूते पहने हुए, इसीलिए वो दूसरे पर टोंट मारा है, और कम से कम उसने जूते पहने हुए लेकिन उसके आपस में मैच नहीं करते, मैच नहीं करते मीन्स दोनों अलग अलग जोड़ी के हैं. व्हेन आई कमेंट ऑन इट, और जब मैंने उन पर कमेंट किया कि तुमने अलग जूते क्यों पहने हुए अलग अलग दोनों पैरों में, ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग. तो बेचारा थोड़ा एम्बेरस्ड हो जाता है और अपने पैरों को शफल करता है, शफल मतलब आगे पीछे करता है, जैसे कौन से को छुपाए, कभी एक को छुपाता है कभी दूसरे को छुपाता है, कुछ नहीं कहता. आई वॉन्ट शूज, सेज अ थर्ड बॉय. एक और तीसरा लड़का है, वो कहता है कि मुझे जूते चाहिए. हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी कोई पेयर ओन ही नहीं किया, मीन्स जिसके पास कभी कोई जूता हुआ ही नहीं है, वो कहता है मुझे जूते चाहिए. ट्रैवलिंग, अब ये बातें उसकी हो गई उन बच्चों से राइटर की, अब उसके इन्हीं बातों के ऊपर कमेंट करिए उनके बेयर फुट रहने के ऊपर. वो अपनी जो नॉलेज है, जो भी उसने देखा, वो बता रही है, एक्सपीरियंस बता रही हैं कि ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट. कि पूरे देश में, अक्रॉस द कंट्री मतलब पूरे देश में ट्रैवल करते हुए मैंने बच्चों को देखा है बेयर फुट चलते हुए, नंगे पैर चलते हुए, इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स. कि शहरों में भी देखा, गांव के रोड्स पर भी देखा है. इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन.
तो उसकी एक एक्सप्लेनेशन मिलती है, एक जवाब मिलता है उसके लिए, एक एक्सप्लेनेशन दी जाती है, माना दिया जाता है कि पैसे की कमी से ऐसा नहीं होता, लेकिन एक ट्रेडिशन है इन लोगों में बेयर फुट रहने का, नंगे पैर रहने का। मीन्स अगर पॉलिटिशियन से या उनके ऊपर जो हेड हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि आपके एरिया में बेयर फुट क्यों रहते हैं ये बच्चे, तो वो कहते हैं नहीं नहीं तो आदत ही है, इनका ट्रेडिशन है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। तो राइटर कहते हैं मुझे वंडर होता है, वंडर मीन्स मुझे एक तरीके से हैरानी होती है या डर लगता है कि कहीं ये एक्सक्यूज तो नहीं है, ये एक बहाना तो नहीं है कि क्या करने का, एक्सप्लेन अवे, एक्सप्लेन करके उसे पल्ला झाड़ने का परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कि जो पॉवर्टी की परपेचुअल स्टेट है, परपेचुअल मतलब जो कीप ऑन गोइंग, जो जारी रहती है, हमेशा चलने वाली, हमेशा से रहने वाली जो स्टेट है, स्थिति है, उसको एक्सप्लेन अवे करने का, उससे पीछा छुड़ाने का कोई बहाना तो नहीं है। कि ऐसा कहकर उनका पिंड छूट जाता है इस सवाल से, जो उनके जिम्मेदार लोग होते हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं है। फिर एक स्टोरी याद आती है राइटर को, वो बताती है कि आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी, कि मुझे एक स्टोरी याद है जो एक उडीपी से आए आदमी ने मुझे बताई थी एक बार। उडीपी जो है साउथ में एक जगह है, तो वहाँ से एक आदमी आया था और उसने मुझे वो स्टोरी बताई थी। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, कि जब वो एक यंग बॉय था तो वो स्कूल जाता था एक ओल्ड टेम्पल से गुजरते हुए, एक पुराने से मंदिर के पास से गुजरता जाता था, वेयर हिज फादर वॉज अ प्रिस्ट, उस टेम्पल में पुजारी उसके फादर थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वो उस मंदिर के पास थोड़ी देर के लिए, ब्रीफली बिल्कुल एक दो मोमेंट के लिए रुकता था, एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, और वहाँ प्रेयर करके जाता था उस थोड़ी सी ब्रीफ स्टे में। क्या करता था कि मुझे एक जोड़ी जूते चाहिए, ऐसे वो देवी से, मंदिर में जो भी देवी थी उससे वो प्रे करता था। 30 years later I visited his town, 30 साल बाद मैं उसी टाउन में जिसकी वो बात कर रहा था वो आदमी, उसी टाउन में मैं गई, उडीपी में गई, एंड द टेम्पल, और मैंने वही टेम्पल देखा विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन, कि जो अब ड्राउंड मीन्स बिल्कुल डूबा हुआ था, किसमें, एन एयर ऑफ डेजोलेशन। डेजोलेशन होता बिल्कुल अनजाने में, या बिल्कुल वहाँ ज़्यादा बस्ती नहीं थी, एकांत से एरिए में अब ये पड़ता था मंदिर, ज़्यादा वहाँ चहल पहल नहीं थी। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, और वहाँ उस के बैकयार्ड में, उस टेम्पल के पीछे जो आंगन था वहाँ पर नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, और जहाँ वो रहता था वहाँ पर सफ़ेद और लाल प्लास्टिक की चेयर्स उसके घर में रखी हुई थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटा लड़का था जिसने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म भी पहनी हुई थी, वियरिंग सॉक्स एंड शूज, उसने जुराबे और जूते भी पहने हुए थे। अराइव्ड पेंटिंग, वो हाँफता हुआ आया, एंड थ्रू ही स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बैग, और उसने अपना जो स्कूल बैग था वो एक फोल्डिंग का बेड था, फोल्डिंग मीन्स आपको पता फोल्डिंग ही बोलते हैं उसको, तो फोल्ड होने वाला जो बेड था या चारपाई थी उस पर डाल दिया। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर एन अदर बॉय हैड मेड, और उस प्रिस्ट के बेटे को देखकर मुझे याद आया कि वो प्रेयर जो किसी दूसरे लड़के ने एक दिन की थी, जो प्रार्थना एक पहले कभी कोई लड़का, पुजारी का लड़का करके गया था टू द गॉडेस, देवी को, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, जब आखिरकार उसको जूते मिल गए थे, पहले तो वो जूतों के लिए प्रेयर करता था, और फिर जब उसको एक पेयर शूज का मिल गया था तो वो तब भी देवी को प्रार्थना करके गया था, लेट मी नेवर लूज देम, कि हे देवी मैं कभी इन जूतों को ना खोऊं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, कि देखो गॉडेस ने उसकी प्रेयर ग्रांट कर ली। कैसे प्रेयर ग्रांट कर ली, ग्रांट मतलब मान ली, उसको उसकी प्रार्थना उसने स्वीकार कर ली। क्या प्रार्थना स्वीकार कर ली, कि अब देखो नए पुजारी के बच्चे के पास भी जूते हैं, अब कोई पुजारी का बच्चा जूतों के बगैर नहीं है, मीन्स किसी भी पुजारी के बच्चे के जूते अब नहीं छीने गए हैं, तो वो प्रेयर जो है देखो अब काम आ रही है। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ वो शूज, और पुजारी के बेटे जैसे जो अब छोटे बच्चे हैं अब जूते पहनते हैं। यंग का मतलब जब इस सेंस में आता है तो यंग का मतलब जवान नहीं, यंग का मतलब जो छोटे बच्चे हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन अब उसको याद आ रहे हैं कि जो मेरे नेबरहुड के जो रैग पिकर हैं, जो कूड़ा बीनने वाले हैं, वो अभी भी शूलेस रहते हैं, अभी भी उनके पास जूते नहीं हैं। अब आगे अपनी स्टोरी को बताने कि माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी,
कि मेरा जो अक्वेंटेंस हुआ इनके साथ, अक्वेंटेंस मीन्स जो मेरी जान पहचान हुई इन बच्चों के साथ, आपको याद हो तो अक्वेंटेंस वर्ड हमने 11th में भी किया था कि जो मिसेस डोरलिंग जो थी वो उसकी मदर की कोई अक्वेंटेंस थी, तो मेरी जो अक्वेंटेंस जान पहचान थी वो बेयर फुट रैग पिकर्स के साथ, इन नंगे पैर वाले कूड़ा बीनने वालों के साथ जो जान पहचान थी, उसने क्या किया, लीड्स मी। यहाँ पे अक्वेंटेंस जो है वो नाउन है और वो सब्जेक्ट की तरह है, इससे वर्ब जुड़ी हुई है कि जो मेरी जान पहचान थी वो लीड मुझे ले गई, कहाँ ले गई, टू सीमापुरी, सीमापुरी में ले गई, मीन्स जान पहचान हुई तो मैं नेचुरली मुझे उनके घर भी जाना था, देख के आना था, तो ये जान पहचान मुझे सीमापुरी तक ले गई जहाँ ये लोग रहते थे। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, और ये एक ऐसी जगह थी जो दिल्ली की पेरीफेरी के पास थी, उसकी सीमा के आसपास थी, उसकी आउटस्कर्ट्स में थी, उसके बाहरी एरिए में थी, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। देखो कैसी लाइन है कि इट इज़ ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, कि ये उसकी पेरीफेरी में है लेकिन इससे मीलों दूर है, पास है लेकिन मीलों दूर है, क्या मीनिंग है, ये मेटाफरिकली यूज़ हुआ है, देखो ये दिया भी हुआ, आगे वर्ड दिया मेटाफरिकली, कि वास्तव में मीलों दूर नहीं है लेकिन आलंकारिक रूप से दूर है, उसको एग्जाम्पल के तौर पर लें तो दूर है, अगर हम मेटाफर की तरह लें कैसे दूर है, क्योंकि दिल्ली जैसी शान, जैसे दिल्ली हमारी कैपिटल है उसके जैसी शान सीमापुरी में बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं लगता कि सीमापुरी का जो एरिया है वो दिल्ली में पड़ता है, क्योंकि वहाँ का रहन सहन ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये दिल्ली में होते हुए भी दिल्ली से मीलों दूर है। दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स, और जो यहाँ रहते हैं वो कौन है, स्क्वेटर्स, स्वेटर्स कौन होते हैं, जो किसी जगह पर कब्जा कर लेते हैं ज़बरदस्ती, उनका राइट नहीं होता, तो ये वहाँ पर स्वेटर्स रहते हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो बांग्लादेश से आए थे 1971 में, उस 1971 की लड़ाई के बाद वो वहाँ आ गए थे ज़्यादातर लोग, हो सकता है साहिब बाद में आए, आगे पीछे आया हो उसकी फैमिली, लेकिन ये 1971 में आ गए थे। साहिब फैमिली इज़ अमंग देम, साहिब की फैमिली भी उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, उस टाइम जब ये लोग आए थे सीमापुरी तब एक वाइल्डरनेस था, एक जंगली एरिया पड़ा हुआ था, तो वो वहीं बस गए थे। इट स्टिल इज, ये अभी भी है कि जंगली एरिया, तो ये अभी भी है क्योंकि यहाँ कोई गवर्नमेंट की बनाई हुई बस्ती नहीं है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये जंगली एरिया खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूप्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, कि यहाँ पर मड के स्ट्रक्चर्स, मड के स्ट्रक्चर्स मतलब मड होता है मिट्टी के बने हुए घर, उन्होंने बनाए हुए ढांचे बनाए हुए जो मिट्टी और कच्ची ईंटों से बनाए होंगे, विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, और क्या है, उनकी रूफ जो हैं घरों की जो छत हैं, जो कच्चे घर हैं उनकी छत टिन या टारपोलिन, जो टारपोलिन मीन्स जो तिरपाल का कपड़ा होता है उससे बनी हुई हैं, डिवॉइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर, और यहाँ पर ना कोई सीवेज है, सीवेज मतलब कोई सीवर की व्यवस्था है, ना ड्रेनेज है, ना नालियों की व्यवस्था है, ना ही रनिंग वाटर है, और फिर भी यहाँ पर लिव 10,000 रैग पिकर्स, इन सारी सुविधाओं के ना होते हुए भी 10,000 रैग पिकर्स यहाँ पर रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, वो यहाँ पर 30 साल से भी ज़्यादा सालों से रह रहे हैं, विदाउट एन आइडेंटिटी, बगैर किसी पहचान के, उनकी कोई पहचान नहीं है क्योंकि वो इस देश से नहीं आए हैं, वो स्क्वेटर्स हैं, वो रिफ्यूजी की तरह यहाँ पर आए हुए हैं विदाउट परमिट्स, इसलिए उनकी आइडेंटिटी है ही नहीं, वो यहाँ के नागरिक ही नहीं हैं, उन्हें कोई परमिट नहीं है यहाँ रहने की, कोई परमिशन नहीं है, बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन सरकार ने या पॉलिटिशियंस ने उनके राशन कार्ड्स बनवा दिए हैं। देखिए इसी से पता लगता है कि जो पॉलिटिक्स के लोग होते हैं वो क्या करते हैं गरीब लोगों के साथ, उनके राशन कार्ड्स बनवा दिए, दैट गेट देयर नेम्स ऑन द वोटर्स लिस्ट, कि उसकी वजह से क्या हो गया है, उनके नाम वोटर्स लिस्ट में आ गए, राशन कार्ड बनते ही वोटर की लिस्ट में नाम आ जाएंगे, और क्योंकि इन लोगों को वोट चाहिए थे उसके बदले में इन्होंने इनके राशन कार्ड बनवा दिए, तो आयरनी है, देखिए कैसी बात है कि आइडेंटिटी नहीं है फिर भी राशन कार्ड बनवा दिए, वोटर कार्ड बनवा दिए, लेकिन वो इस देश के नागरिक नहीं है, जब नागरिक नहीं थे तो उनको वोटिंग राइट्स क्यों दिलवाए, एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, और इसकी वजह से क्योंकि राशन कार्ड बन गया है तो वो ग्रेन लेने के जो सरकारी स्कीम है उसमें अनाज पाने या खरीदने के या सस्ता अनाज खरीदने के काबिल हो जाते हैं, इन राशन कार्ड्स की वजह से वो इस लायक हो जाते हैं कि उन्हें ग्रेन मिल जाए। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी,
अब इसके ऊपर राइटर का कमेंट है कि फूड ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए, बजाय के आइडेंटिटी के। चाहे उन्हें आइडेंटिटी नहीं है, उनकी आइडेंटिटी बांग्लादेश में है, वहाँ के वो नागरिक हैं, वहाँ उन्हें पहचान भी मिलेगी, लेकिन वो भूखे मर जाएंगे। तो ये क्या कह रहे हैं, यहाँ आ गए, इनकी कोई पहचान नहीं, इस देश से उनकी कोई पहचान नहीं है, लेकिन उन्हें खाना मिल जाता है क्योंकि सस्ता अनाज जो है राशन कार्ड पे मिलता होगा, इसकी वजह से वो यहाँ आ गए हैं। तो उन्हें पहचान नहीं चाहिए, उन्हें खाना चाहिए, वहाँ भूखे मर रहे थे, उससे बेटर यहाँ बगैर पहचान के वो रह लेंगे। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो रेन। अब उनकी उनमें से कमेंट है, बाद में करेंगे किसकी कमेंट है। कमेंट क्या है कि अगर दिन के अंत में अगर हम अपने परिवारों को खिला पाते हैं, फीड करा पाते हैं, और बेड में जाने से पहले अगर हम बेड में जाते हैं बगैर एकिंग, मतलब दुखते हुए पेट के, दुखते हुए मतलब भूखे पेट के, बगैर हम सो जाते हैं, यानी कि पेट भर के खाना खा के अगर हम सोने चले जाते हैं, वी वुड रादर लिव हियर, कि इसके इसमें हम यहीं रहेंगे, अगर ऐसा भी होता है तो भी हम यहीं रहेंगे, मीन्स हमें पहचान नहीं चाहिए, देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, बजाय कि उन खेतों में जाएं जहाँ हमारी पहचान थी, जहाँ हमारे खेत थे, लेकिन हम भूखे मर जाते थे, तो उन खेतों के अलावा हम यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। और ये कौन कहता है, सेज अ ग्रुप ऑफ वीमेन इन टैटर्ड साड़ीज, ये एक औरतों का ग्रुप बैठा हुआ था, वो कहता है जिन जो टैटर्ड साड़ीज में था, मीन्स जिनकी साड़ीज जो थी फटी पुरानी थी। When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, so ये जवाब उन्होंने तब दिया जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने अपनी जो ब्यूटीफुल लैंड थी, सुंदर ज़मीन थी, हरे भरे खेतों और नदियों वाली, वो क्यों छोड़ दी। Wherever they find food, they pitch their tents. जहाँ कहीं भी उन्हें खाना मिलता है वो अपने टेंट लगा लेते हैं, एंड बिकम ट्रांजिट होम्स, और यही उनके ट्रांजिट होम बन जाते हैं, दैट बिकम देयर ट्रांजिट, ट्रांजिट का मतलब टेम्प्रेरी होम्स बन जाते हैं उनके, यही वो अपना टेंट पिच कर देते हैं, गाड़ देते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे इन्हीं में पैदा होते हैं, बड़े हो जाते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वो भी इस सर्वाइवल के पार्टनर बन जाते हैं। सर्वाइवल मतलब ये जिंदा रहने की जो जद्दोजहद है, जो ये संघर्ष है, उसमें वो भी भागीदार बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, और सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब है मीन्स रैग पिकिंग, कि अगर किसी को सीमापुरी में सर्वाइव करना है, संघर्ष करके जीना है, तो रैग पिकिंग करनी ही पड़ेगी। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, और इतने सालों के दौरान तो ये एक रैग पिकिंग कोई छोटा मोटा काम नहीं रहा है। राइटर कह रही है कि ये एक आर्ट की फॉर्म ले गया, मीन्स उन्होंने नए नए तरीके ढूंढ लिए हैं इसको जानने के, इस आर्ट को करने के, मीन्स कूड़ा बीनने के भी उनके पास अलग अलग तरीके हैं, उन्होंने नई नई टेक्निक सीख ली। आपने देखा होगा कई जो रैग पिकिंग करने आते हैं, बच्चे आते हैं नेचुरली, तो वो चुंबक लगाए रखते हैं छड़ी से, ताकि लोहे की चीज़ें वो करें, तो उन्होंने एक कला का रूप ले लिया है, नए नए तरीके ईजाद करते हैं। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, उनके लिए गार्बेज जो है वो गोल्ड से कम नहीं है, उनके लिए सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनका डेली ब्रेड है, यही उनका ब्रेड है। कैसे, क्योंकि यही काम करेंगे तभी तो उन्हें खाना मिलेगा। गोल्ड क्यों है, क्योंकि ये बहुत ही कीमती है उनके लिए, तो सोने जैसा है उनके लिए, क्योंकि इसी से वे उनका जीवन चल रहा है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, और यही क्या है, उनके सरों के ऊपर छत है, क्या गार्बेज, क्या गार्बेज से ही उन्हें सर के ऊपर छत नसीब है। इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, वो कह रहे हैं चाहे ये छत टपकती ही क्यों ना हो, यानी कि चाहे इस काम में दिक्कतें ही क्यों ना हो, कि छत तो है, चाहे ये लीक होने वाली छत हो, लेकिन काम तो चल रहा है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चे के लिए तो ये उससे भी ज़्यादा, उनके लिए तो सर्वाइवल है, लेकिन बच्चे तो जो उन्हें किताबों से एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, स्कूल से और चीज़ों से एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, वो इन्हें कूड़े से ही मिलता है। तो बच्चों के लिए तो ये सर्वाइवल से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है। आई समटाइम फाइंड अ रुपी इवन ए 10 रुपी नोट, अब ये स्टार्टिंग में जो लाइन है वो आई थी, ये कौन कह रहा है, साहिब कह रहा है। साहिब कहता है कि मुझे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है, और कभी कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है गार्बेज में। हीज़ आईज़ लाइटिंग अप, उसकी आँखें चमक जाती हैं, कि कभी कभी कूड़ा बीनते हुए ही मुझे 1 या 10 रुपये का नोट मिल जाता है, और तब वो खुश होता है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging.
राइटर कह रही है कि अगर आपको एक कूड़े के ढेर में एक सिल्वर चांदी का सिक्का मिल जाए तो आप भी उसको स्क्राउंज करना बंद नहीं करोगे, आप भी उसको स्क्राउंज ही करते रहोगे, मीन्स आप भी उसमें तलाशी ही करते रहोगे। तो वो तो बच्चे करेंगे ही, क्योंकि उनके लिए 1 रुपया और 10 रुपया बहुत बड़ी बात है। फोर, देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि और भी आशा बन जाती है कि और भी मिलेंगे। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। ऐसा लगता है बच्चों के लिए गार्बेज का एक अलग मीनिंग है जो उनके पेरेंट्स मानते हैं उससे अलग है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए ये वंडर से भरा हुआ है, आश्चर्यों से भरा हुआ है। रैप मीन्स पूरा रैप है, उनसे ढका हुआ है। क्यों वंडर से? क्यों? क्योंकि उन्हें नई नई चीज़ें जो उन्हें लाइफ में नसीब नहीं होती, वो कूड़े में टूटी फूटी मिलती होंगी, खिलौने मिलते होंगे, वो उन्हें वहीं से देखने को मिलते हैं। फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जबकि बड़ों के लिए ये सर्वाइवल का जरिया है। उसके बाद राइटर कहती है, वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। एक दिन विंटर की सुबह, सर्दियों में सुबह, मैं साहिब को देखती हूँ कि वो हमारे पड़ोस के क्लब के गेट के पास, जिस पे फेंस चार दीवारी बनी हुई थी, वहाँ खड़ा था, वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। और क्या कर रहा था कि दो आदमी सफ़ेद कपड़ों में टेनिस खेल रहे थे, उनको वॉच कर रहा था। आई लाइक द गेम ही हम्स, वो अपने मन ही मन में गुदगुदाता है कि मुझे ये गेम पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और मुझे जानकर बड़ी हैरानी हुई कि वो जो फैंस थी, चार दीवारी थी, उसके पीछे से खड़ा होकर देखकर ही खुश था। देखिए हमें तो खेलकर ही मज़ा आएगा, लेकिन वो तो देखकर ही खुश था। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, और क्या कहता है, ही एडमिट्स, वो ये मानता है कि मैं अंदर चला जाता हूँ जब कोई नहीं होता। वैसे तो कोई जाने नहीं देता होगा, लेकिन जब कोई नहीं होता तो मैं अंदर चला जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, तो जो गेट कीपर है, जो उसका चौकीदार होगा, गेट की देखभाल करता होगा, तो वो मुझे वहाँ स्विंग का यूज़ करने देता है। स्विंग मतलब झूला, वहाँ झूल लेने देता है इस क्लब में। साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़, साहिब ने खुद भी टेनिस शूज़ पहने हुए हैं। टेनिस के शूज़ मतलब आपको पता है वो मोटे से कपड़े के शूज़ होते हैं, जो कपड़े वाले जूते हैं। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज दिस कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, जो बड़े ही अजीब लगते हैं किसके ऊपर, जो उसकी डिसकलर्ड मीन्स रंग उड़े हुए शर्ट और शॉर्ट्स में निक्कर है, उसके ऊपर जो थोड़े बेटर जूते हैं वो अजीब लग रहे हैं। समवन गेव देम टू मी ही सेज इन द मैटर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, जब मैं देख रही थी तो उसने एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा कि किसी ने ये जूते मुझे दिए थे। आप सोच रहे होगे मेरे पास जूते कैसे आए, कि किसी ने मुझे दिए थे। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम डज नॉट बोदर हिम। अब राइटर इससे क्या वो कर रही है कि ये जो फैक्ट है, ये जो सच्चाई है कि ये किसी रिच बॉय के, किसी अमीर लड़के के डिस्कार्डेड शूज़ हैं। डिस्कार्डेड मतलब रिजेक्टेड शूज़ हैं। ये जो सच्चाई है कि उस लड़के ने परहैप्स रिफ्यूज टू वेयर देम, कि शायद उनको पहनने से रिफ्यूज़ कर दिया होगा, मना कर दिया होगा, बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से एक में एक होल बन गया था, छेद बन गया था। डज नॉट बॉदर हिम, ये जो फैक्ट है वो उसको परेशान नहीं करता कि किसी ने मुझे ये जूते किसी ने फेंक दिए थे और मैंने ले लिए। इस चीज़ से उसे कोई बोदरेंस नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होती। तो आप देख सकते हैं कि इन्हें कितनी चीज़ों की शॉर्टेज है। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि उस लड़के के लिए जो बेयर फुट रहा हो, नंगा रहा हो, तो उसके लिए बेशक जूते मिल जाए, लेकिन चाहे उनमें होल ही क्यों ना हो, छेद ही क्यों ना हो, वो भी एक ड्रीम कम ट्रू होता है, एक सपना सच होने जैसा होता है। देखिए उसके लिए सपना सच होना, और हम जैसे लोग जो होते हैं वो कितना ज़्यादा नखरे करते हैं, हमारे बच्चे जो हैं नखरे करते हैं, तो हमें देखना चाहिए कि ऐसे भी बच्चे होते हैं। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग, लेकिन जिस गेम को वो वॉच कर रहा है, देख रहा है, सो इंटेंटली मतलब बड़े ध्यान से, इतने ध्यान से जिस गेम को देख रहा है, आउट ऑफ हिज रीच, इट इज़ आउट ऑफ हिज रीच, वो गेम उसकी रीच में नहीं है, वो उसकी पहुंच से बाहर है, वो नहीं खेल सकता। जूते बेशक मिल गए हों, लेकिन वो गेम नहीं खेल पाएगा। दिस मॉर्निंग साहेब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इस सुबह साहेब जो है वो मिल्क बूथ के रास्ते में, वो कहाँ जा रहा था, मिल्क बूथ में। और मिल्क बूथ क्या है, वहाँ से वो दूध लेने जा रहा है। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर है। कैनिस्टर मतलब एक बॉक्स है या एक केटली टाइप कोई बर्तन है, कंटेनर है। आई नाउ वॉक इन अ टी स्टॉल,
अब वो बता रहा है कि क्यों जा रहा है बूथ पे दूध लेने, कि वो अब एक टी स्टॉल में काम करता है, रैग पिकिंग नहीं करता, डाउन द रोड उस रोड के पार जो टी स्टॉल है मैं वहाँ काम करता हूँ, ही सीज, वो कहता है पॉइंट इन द डिस्टेंस, और दूर इशारा करता हुआ कहता है कि वहाँ काम करता हूँ, आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे 800 रुपये दिए जाते हैं एंड ऑल माई मील्स, और सारा खाने दिए जाते हैं, तीनों टाइम का खाना दिया जाता है। डज ही लाइक द जॉब आई आस्क, मैंने पूछा कि क्या तुम्हें ये काम पसंद है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसका चेहरा मैंने देखा कि उसका जो केयर फ्री लुक था, जो वो ऐसे ही घूमता रहता था, फ्रीली घूमता रहता था, जिसमें कोई चिंता नहीं थी, उस लापरवाह लुक को उसने खो दिया। मीन्स इससे पता लग रहा था कि वो वहाँ रह के खुश नहीं है। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, तो हम कहेंगे कि नो, ही वॉज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। अब रीज़न बता रहे हैं कि क्यों, द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर ही शोल्डर, कि ये जो स्टील का कैनिस्टर है ये ज़्यादा हैवियर लग रहा है, ज़्यादा भारी लग रहा है, बजाय कि उस प्लास्टिक बैग के जो वो कैरी करता था। वैसे तो वो प्लास्टिक का बैग भारी होना चाहिए था, लेकिन उसको बड़ी ही लाइटली, बड़े ही हल्केपन से वो अपने कंधों पर उठाए घूमता था, उससे उसके बजाय ये स्टील का कैनिस्टर उसके लिए हैवी लग रहा। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि सेम ही रीज़न आएगा दोनों का, कि वाई इज़ द स्टील कनिस्टर हैवियर देन द प्लास्टिक बैग टू साहिब आलम, तो पूछा जा सकता है क्यों। अब रीज़न बता रही है राइटर, या हम भी समझ सकते हैं, द बैग वॉज हिज, जो बैग था वो उसका अपना था, वो उसका अपना काम था, अपना बिजनेस अपने हिसाब से करता था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, लेकिन जो कैनिस्टर था वो उस टी शॉप ऑनर का है जहाँ पर वो काम करता है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अब खुद का मालिक नहीं रहा है, कि साहिब को यहाँ बॉन्डेज फील होता है, साहिब यहाँ पर फ्री महसूस नहीं करता, वो अपना काम करके के फ्री लाइफ जीना ज़्यादा पसंद करता था बजाय के किसी के लिए काम करना। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, स्टोरी ऑफ साहिब आलम। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्टोरी ऑफ मुकेश। सो टिल देन, बाय बाय।